नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादंबरी कथा मुख्य शिक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। पिछले पाठ में हम लोगों ने सबर सेनापति के वर्णन को देखा था। पांचवा भाग था। अभी हम लोग सबर सेनापति के वर्णन को छठे भाग में देखेंगे। सबर सेनापति वर्णन, ठीक है। और इसके साथ ही सबरों का जो कार्य है, चरित है, उस सबरों का जो चरित है, उस चरित का भी क्या करेंगे हम लोग, आलोचन करेंगे। समझ में इतना आ गया कि नहीं? सबर चरितालोचन इसका जो है भाग एक हो जाएगा और सबर सेनापति वर्णन भाग छः हो जाएगा। सबरों के चरित्र का वर्णन यहाँ पर किया जाएगा, उसको भी देखेंगे। तो अभी हम लोग पहले किसको देख लेते हैं, सबर सेनापति के वर्णन को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो गीत कला विन्यासमिव निषादानुगतम, पहला विशेषण दिया कि गीत कला विन्यास की तरह जो निषादानुगत है। अब यहां पर भी दो अर्थ हैं, देख लेते हैं। जो गीत कला है, गीत कला मतलब है गाने की विद्या। गीत कला मतलब गाने की जो विद्या है, गाने की जो विद्या है, उस विद्या का कहीं कहीं पर विन्यास पाठ है, कहीं कहीं पर विलास पाठ है। बात समझ में आई कि नहीं? तो विन्यास का अर्थ जो है, अथवा विलास, दोनों का समान ही अर्थ रहेगा। अर्थ रहेगा यहाँ पर व्यापार। व्यापार मतलब होगा कार्य, काम, ठीक है। इव माने की तरह, की तरह। तो गीत कला मतलब गाने की जो विद्या है, उस विद्या का जो विन्यास है, व्यापार है, उस व्यापार की तरह कौन है? ये मातंग नाम का सबर सेनापति है, ठीक है। आप कहते हैं ये जो है विद्या कैसी होती है? तो निषादानुगतम, निषादानुगत क्या है? तो देखो, निषाद, निषाद क्या है? तो निषाद जो है ना, एक कंठ से निकलने वाला स्वर है, निषाद। बात समझ में आ गई कि नहीं? जैसे स रे गा मा पा धा नी। तो यहाँ जो नी है ना, नी से किसको लेते हैं? निषाद को लेते हैं, ठीक है। अब आप इनके बारे में क्या कर सकते हैं? अतिरिक्त गूगल इत्यादि सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो निषाद क्या है? एक स्वर है, और उस स्वर से अनुगत, अनुगत मतलब होता है सहित, स्वर से सहित, स्वर से सहित। जिस प्रकार से जो गाने की विद्या का व्यापार होता है, कार्य होता है, काम होता है, तो वो निषाद स्वर से क्या होता है? युक्त होता है, निषाद स्वर के सहित होता है। समझ में आया कि नहीं? कि उसमें निषाद स्वर रहता है गीत कला में, गाने की जो कला है, गाने की जो विद्या है, उसका जो विन्यास है, उसमें व्यापार में, उस कार्य में, उस काम में क्या होता है? उसमें जो है निषाद नाम का स्वर रहता है। तो निषाद स्वर से अनुगत मने सहित होता है वो विन्यास। अब ये भी क्या है? निषादानुगत है। निषाद का मतलब यहाँ पर निम्न जाति में जो उत्पन्न है। बात समझ में है कि नहीं? यहाँ निषाद का अर्थ क्या लेंगे हम? जो निम्न जाति में उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, चांडाल आदि, उन चांडालों से अनुगत। अनुगत का मतलब है पीछा किया जाता हुआ, मतलब अनुसरण किया जाता हुआ, पीछा किया जाता हुआ। कौन है? सबर सेनापति, जो मातंग है। सबर सेनापति, उसके साथ साथ में कौन है? निषाद है, चांडाल है, निम्न जाति में उत्पन्न जो लोग हैं वो हैं, ठीक है। तो उनसे अनुगत माने पीछा किया जाता हूं, मतलब वो जो है उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, उसके साथ में है,
समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा कौन है? सबर सेनापति मातंग। और जो गीत कला का विन्यास है, गाने की विद्या का जो विन्यास व्यापार रहता है, कार्य रहता है, उसमें निषाद माने निषाद स्वर से वो सहित होता है। निषादानुगत मतलब निषाद नाम के स्वर से सहित होता है, माने उसी की तरह गीत कला विन्यास की तरह ही, जैसे गीत कला का विन्यास निषादानुगत होता है, निषाद स्वर से अनुगत माने युक्त होता है, सहित होता है, उसी तरह से सबर सेनापति मातंग भी है जो कि निषादानुगत यानी चांडालों से अनुगत है, चांडालों से वो पीछा किया जाता हुआ है। ठीक है, चलो अब कहते हैं अंबिका त्रिशूलमिव महिष रुधिरार्द्र कायम। अंबिका के त्रिशूल की तरह महिष रुधिरार्द्र कायम। अब अंबिका ठीक है, जो चंडिका देवी हैं, तो उनके त्रिशूल, उनका एक विशेष प्रकार का क्या है, शस्त्र है। उस शस्त्र से अंबिका का जो त्रिशूल है, अच्छा उस त्रिशूल की तरह, शस्त्र की तरह है अंबिका का, चंडिका का जो त्रिशूल है, तो उस त्रिशूल की तरह, त्रिशूल जो है शस्त्र है विशेष प्रकार का, उसकी तरह कौन है, सबर सेनापति है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपने शस्त्र से त्रिशूल से क्या कर दिया था, महिष महिष नाम के राक्षस को उन्होंने मारा था ना। तो महिष रुधिरार्द्र कायम, महिष यानी कि महिषासुर, महिषासुर के रुधिर माने खून से, आर्द्र मतलब गीला, काय काय मतलब शरीर है जिसका, ठीक है, काय मतलब शरीर, लेकिन ये शरीर किसका लेना है, त्रिशूल का, किसका लेना है, गीला शरीर वाला कौन हुआ, त्रिशूल किसका, अंबिका का। समझ में आ गया कि नहीं? गीला त्रिशूल वाला कौन हुआ, चलिए इतना समझ में आ गया कि नहीं, कि चंडिका का, अंबिका का जो त्रिशूल है, शस्त्र है, उस शस्त्र की तरह कौन हो जाएगा, मातंग। क्योंकि चंडिका का जो, अंबिका का जो त्रिशूल है, उस त्रिशूल का जो शरीर है वो महिष माने महिषासुर के रुधिर माने खून से, आर्द्र माने गीला है, काय मतलब शरीर, ऐसे शरीर वाला कौन है, त्रिशूल। जो भगवती का त्रिशूल है वो क्या है, वो महिषासुर के रुधिर माने खून से, आर्द्र माने गीले, काय माने शरीर वाला है त्रिशूल। ठीक है, अब कह रहे हैं मातंग नाम का जो सबर सेनापति है वो भी वैसा ही है, वो महिष का मतलब भैंसों के रुधिर माने खून से, आर्द्र मतलब गीले, काय मतलब देह, यहां क्या लेना है, उस सबर सेनापति का देह, तो ऐसे देह वाला कौन है, मातंग नाम का जो सबर सेनापति है। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि भैंसों को मारने के कारण उनके खून से गीले, काय माने देह वाला मातंग नाम का सबर सेनापति है, और अंबिका का जो त्रिशूल है वह महिष नाम मतलब महिषासुर के रुधिर को उसको महिषासुर को मारने के कारण महिषासुर के रुधिर माने खून से, आर्द्र माने गीला हो गया है, गीला काय मतलब शरीर वाला त्रिशूल है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से मातंग में और दोनों में घटता है यहां पर। अब कह रहे हैं अभिनव यौवनम अपि क्षपित बहु वयसम। अभिनव यौवन होने पर भी, अभिनव यानी नया, नया मतलब चित्ताकर्षक मनोहारी, मनोहारी यौवन होने पर भी, यौवन यानी जवानी, तरुणाई तारुण्य, और अपि माने भी, लेकिन यहां होने पर भी जोड़ लेते हैं, होने पर भी, ठीक है, क्षपित बहु वयसम। तो अभिनव यानी कि नया, नया मनोहारी, यौवन यानी जवानी, अपि माने होने पर भी, बहुत ज्यादा जो है मनोहारी और बहुत ज्यादा नूतन तारुण्य उसका है, तथापि यानी बहुत अधिक तारुण्य होने पर भी
छपित बहुवयसम, छपित का मतलब है व्यतीत कर दिया है, और बहु यानी कि बहुत ज्यादा, वयसम का मतलब है उम्र जिसने। अब बताओ, बहुत ज्यादा उम्र जिसने व्यतीत कर दी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी तो अभिनव यौवन वाला है, नई यौवन में जवानी वाला है, लेकिन छपित मतलब व्यतीत कर दिया है, व्यतीत कर दिया है बहु, बहु मतलब बहुत, और वयस कहते हैं उम्र को। तो बहुत उम्र जिसने क्या कर दी है, व्यतीत कर दी है, व्यतीत कर दी है बहुत उम्र, ऐसी बहुत उम्र वाला। अब बताओ, तो वो जिसने बहुत सी उम्र व्यतीत कर दी है, तो वो तो क्या हो जाएगा, छपित बहुवयसम का अर्थ होगा बूढ़ा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जो बूढ़ा व्यक्ति है, अब वो अभिनव यौवन वाला, नए मनोहारी जवानी वाला कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो छपित यानी कि व्यतीत कर दिया है बहु माने बहुत सा, वयस यानी उम्र जिसने, तो ऐसा वो तो बहुत सा जिसने उम्र व्यतीत कर दिया, तो मतलब बूढ़ा हो गया, तो फिर अभिनव यौवन वाला कैसे हो सकता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो कह तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए यहां पर हुआ विरोध, क्या हुआ, विरोध हुआ। समझ में आया कि नहीं? अब कहते हैं कि फिर भी छपित, अब विरोध का परिहार कैसे होगा, तो छपित बहु वयसम, छपित का मतलब है मार दिया, बहु माने बहुत से, और बया वयसी बयान से मतलब पक्षियों को। जिसने, समझ आ गया कि नहीं? अब विरोध नहीं है कि अभी अभिनव यौवन वाला है, नई मनोहारी यौवन यानी जवानी वाला है, नूतन अभिनव माने नए नए यौवन वाला है, फिर भी छपित माने मार दिया है, बहु माने बहुत से, वयस मतलब पक्षियों को जिसने। अब बहुत से पक्षियों को तो मार ही सकता है, छपित माने मार दिया है, बहु माने बहुत से, वयस माने पक्षियों को जिसने, तो बहुत से पक्षियों को जिसने मार दिया है, तो कोई विरोध नहीं है। लेकिन छपित माने व्यतीत कर दिया है, बहु माने बहुत से, बया मतलब उम्र को जिसने, तो वो तो फिर बूढ़ा हो जाएगा, तो विरोध होगा। तो इसलिए, लेकिन जब हम अर्थ बदल देंगे, छपित माने मारा है, बहु माने बहुत से, बयस माने पक्षियों को जिसने, तो विरोध का क्या हो जाएगा, परिहार हो जाएगा। ठीक है। कृत सार में या संग्रहम अपि फलमूलाशनम, तो ये समझ आ गया ना, अभिनव यौवन वाला होने पर भी व्यतीत कर दिया बहुत सा उम्र जिसने, तो बूढ़ा हो जाएगा, तो विरोध होगा। लेकिन छपित माने मारा है, बहुत से, बयस माने पक्षियों को जिसने, तो परिहार हो जाएगा। तो जब विरोध हो, पहले लगे और बाद में परिहार हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विरोधाभास। ठीक है, तो यहां विरोधाभास अलंकार है, इसे और भी विरोधाभास आपको मिलेगा अभी। अब है कृत सारमेय संग्रहम अपि फलमूलाशलम, सारमेय का संग्रह करने पर भी जो फलमूलासन है, तो देखो भाई, कृत माने किया है, सारमेय, सार का मतलब होता है धन, और मेय मतलब होता है जो मापने योग्य, जो अनाज इत्यादि रहता है। तो सार मतलब धन, और प्लस मेय मतलब जिसको नापा जा सके, मापा जा सके, ऐसा क्या होता है, जैसे अनाज इत्यादि होता है, फसल होती है अनाज, तो अनाज। ठीक है, मतलब उसने सार माने धन का, उमेय मतलब अनाज का संग्रह, संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रीकरण, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। अपि माने भी। अब बताओ, तो कृत माने किया है, सारमेय मतलब, सार मतलब धन का, अवमेय मतलब अनाज का, संग्रह माने इकट्ठा करना, जिसने, ऐसा होने पर भी, समझ आया कि नहीं, कि वो जो माने मातंग नाम का सबर सेनापति है, उसने कृत माने किया है, सार मतलब धन का, मेय मतलब अनाज का, मेय अनाज क्यों हुआ, मेय मतलब जो मातुम योग्य हो, जिसको मापा जा सके, नापा जा सके, तो वो मेय मतलब अनाज, और सार माने धन, तो इसलिए दोनों का संग्रह किया, इकट्ठा किया है, संग्रह करने पर भी, इकट्ठा करने पर भी। बात समझ में है कि नहीं?
इकट्ठा किया है इकट्ठा, फिर भी, फिर भी फल मूला सनम, जो क्या खाता है सिर्फ फल, फल के फल खाता है, फल मूला सनम जो सिर्फ फल खाता है, प्लस मूल, मूल मतलब जो कंदमूल इत्यादि रहते हैं, जड़ वड़ रहती है वृक्ष की, उसी को क्या करता है सिर्फ मूल को असन मने खाता है। असन मतलब होता है खाना, भक्षण। फल और मूल का ही असन, असन मतलब होता है भक्षण, तो भक्षण करता है। समझ में आया कि नहीं? जो कृत माने किया है, सार माने धन का, मेय मतलब मातुम योग्य जो अनाज है उसका संग्रह इकट्ठा, फिर भी इकट्ठा किया है धन और अनाज, फिर भी जो फल और फल मूल अशनम मतलब सिर्फ फल को खाता है, और मूल यानी कि जो जड़ इत्यादि रहती हैं वृक्षों की, जड़ के रूप में कुछ भी खाद्य पदार्थ, तो उसका असर माने उसका भक्षण करता है। तो विरोध हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हुआ इस अर्थ में? विरोध हुआ। समाधान कैसे करेंगे भाई? विरोध का परिहार कैसे करेंगे? तो ये कृतसार में या संग्रहम का अर्थ बदलना पड़ेगा। इसका अर्थ कर देंगे कृत मने किया है, और सार में मतलब कुत्तों का, सार में कैसे बना? शर्मा से। शर्मा मतलब क्या होता है? कुतिया। और सार में मतलब शर्मा का जो अपत्य, जैसे बिनता का पत्य वैनतेय, ऐसे ही शर्मा का सार में, ठीक है? सार में मतलब कुत्ते। तो कृत माने किया है, सार में माने कुत्तों का, संग्रह मतलब एकत्रीकरणम, इकट्ठा करना, किया है कुत्तों का संग्रह, जिसने, जिसने माने मातंग ने, जिसने फिर भी, अपि माने भी, समझ में आया कि नहीं? फिर भी, तो देखो कृत माने किया है, सार में माने कुत्तों का संग्रह, जिसने, अपि माने फिर भी। अब कुत्तों का संग्रह किया है, फिर भी जो है वो मांस नहीं खा रहा है, वो किसको खा रहा है? वो फल मूल, फल को खा रहा है, मूल इत्यादि जो जो वृक्ष रहते हैं, जो भी जिनकी जड़ खाद्य रहती हैं, तो उनका आसन माने भक्षण कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? कृत माने किया है, सार में मतलब कुत्तों का संग्रह, जिसने, तो कुत्तों को रखता है अपने साथ में शिकार के लिए। और कृत, अब यहाँ अगर हम क्या करेंगे कि जिसने सार माने धन का, मेय मतलब अनाज का अनाज को इकट्ठा किया होगा, वो सिर्फ फल इत्यादि क्यों खाएगा, कंदमूल ही क्यों खाएगा? वो अनाज खाएगा, धन रहेगा तो उसका उपयोग करेगा। लेकिन यहाँ पर सार में एक अर्थ करेंगे कुत्तों का संग्रह किया है, और जंगल में रहता है तो वहां पर फल इत्यादि जो मिलते हैं तो उन्हीं को खाता है। बात समझ में आई कि नहीं? अगर अनाज इकट्ठा करता तो अनाज खाता। तो यहाँ पर अगर पूर्व अर्थ करेंगे तो विरोध, और द्वितीय अर्थ करेंगे तो परिहार। समझ में आया कि नहीं? ये अर्थ करेंगे तो क्या होगा? विरोध। और ये वाला अर्थ करेंगे तो उसका विरोध का क्या हो जाएगा? परिहार हो जाएगा। तो यहां भी क्या हुआ? विरोधाभास अलंकार हो गया। समझ में आया कि नहीं? विरोध रहता है ना, विरोध केवल उसका आभास मात्र होता है, वास्तविक विरोध नहीं होता, अर्थ उसका जो है परिवर्तन कर देते हैं तो विरोध नहीं रह जाता, ठीक है? अब कह रहे हैं कि कृष्णम अपि असुदर्शनम, कृष्णम माने कृष्ण होने पर भी जो क्या है, असुदर्शन है। अब बताओ ये शब्द से विरोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे? क्योंकि कृष्ण मतलब भगवान नारायण, नारायण, और नारायण होने पर भी, नारायण होने पर भी असुदर्शन, तो नारायण, भगवान नारायण के पास क्या है? सुदर्शन नाम का चक्र है कि नहीं है? वो असुदर्शन माने सुदर्शन रहित, सुदर्शन चक्र से रहित। अब बताओ अगर कृष्ण होंगे सुदर्शन चक्र से रहित कैसे हो सकते? नहीं हो सकते। कृष्णम अपि माने कृष्ण नारायण होने पर भी असुदर्शनम, अ मतलब है नहीं, अ मतलब रहित, अ माने रहित, तो सुदर्शन रहित, सुदर्शन रहित। तो बताओ विरोध हुआ कि नहीं हुआ? विरोध हो गया। क्यों? क्योंकि कोई कृष्ण है और सुदर्शन, सुदर्शन सहित नहीं है, तो विरोध होगा। क्योंकि कृष्ण अगर हैं तो निश्चित रूप से उनके पास सुदर्शन चक्र होगा ही।
तो कृष्णम माने नारायण होने पर भी अपि कृष्णम अपि अपि असुदर्शनम अप्यसुदर्शनम यण हो गया है। यहाँ क्या है अपि अपि प्लस अ मतलब है रहित, समझ में आया कि नहीं। तो अपि असुदर्शनम जो सुदर्शन चक्र से क्या है, तो बताओ अगर कोई कृष्ण है तो निश्चित रूप से सुदर्शन चक्र युक्त होगा कि नहीं होगा, होगा ही। कृष्ण नारायण अगर है तो निश्चित रूप से सुदर्शन चक्र युक्त होगा ही, बात समझ में आई कि नहीं। तो वही बता रहे हैं कि कृष्ण होने पर भी जो असुदर्शन, असुदर्शन माने सुदर्शन चक्र रहित है तो विरोध हुआ, और अर्थ बदल देंगे कि कृष्ण, कृष्ण का मतलब क्या होगा, काला, काला होने पर भी जो क्या है असुदर्शन है। असुदर्शन का मतलब है कि अ मतलब नहीं है, सुदर्शन, सुदर्शन मतलब सरल दर्शन जिसका, सरल दर्शन वाला। तो अ मतलब नहीं, जो सरल दर्शन वाला नहीं है मतलब कैसा है, मतलब भयंकर दर्शन वाला है, भयंकर दर्शन वाला है। क्यों, कृष्णम मतलब काला है, कृष्णम माने क्या है, काला है, तो काला है और इसीलिए मतलब अत्यंत कृष्ण, कृष्ण वर्ण का है, काला वर्ण वाला है, इसीलिए क्या है असुदर्शन मतलब भयंकर दर्शन वाला है, और लाल लाल खून तो लगाए ही रखा है अपनी देह में। तो वो असुदर्शु मतलब है सुंदर सरल सौम्य दर्शन वाला नहीं है, अभी तो असुदर्शन है मतलब कि जिसका सुंदर दर्शन नहीं है, अभी तो भय उत्पन्न करने वाला डरावना दर्शन है जिसका, बात समझ में आ गई कि नहीं। तो यहाँ पर विरोध का परिहार हो जाएगा, कोई काला होकर के भी असुदर्शन हो ही सकता है, भयंकर दर्शन वाला हो ही सकता है, बात समझ में है कि नहीं। डरावना जिसका दर्शन डरावना हो, डर उत्पन्न करे, भयंकर माने भय करने वाला हो दर्शन, समझ में आ गया कि नहीं। असुदर्शन सुदर्शन नहीं है, अ माने नहीं है, सुदर्शन जिसका सुंदर दर्शन नहीं है, अभी जिसका दर्शन भयंकर है, ठीक है, जिसको देखने से भय उत्पन्न होता है, इस प्रकार का है। कृष्ण माने काला है इसीलिए असुदर्शन है, भयंकर दर्शन वाला है, कौन, मातंग। तो इस अर्थ में कोई विरोध नहीं रहा, विरोध का क्या हो गया, परिहार हो गया। तो परिहार हुआ, इधर विरोध था इधर परिहार हो गया, अर्थ अगर कृष्ण माने भगवान श्री कृष्ण करेंगे तो विरोध रहेगा, और कृष्ण का मतलब क्या कर देंगे, काला कर देंगे, तो विरोध नहीं रहेगा, असुदर्शन यानी सुदर्शन चक्र रहित, और इधर असुदर्शन यानी कि सुंदर दर्शन वाला नहीं अभी भयंकर दर्शन वाला, ऐसा अर्थ करेंगे तो विरोध नहीं रहेगा, समझ में आया कि नहीं। कृष्णम का नारायण होने पर भी जो असुदर्शन सुदर्शन चक्र रहित हैं तो विरोध होगा, और कृष्ण माने काला होने के कारण, काला हो है इसीलिए तो असुदर्शन माने भयंकर दर्शन वाला है तो विरोध नहीं रहेगा। अब कहते हैं स्वच्छंदाचारम अपि दुर्गैक शरणम। तो देखो स्वच्छंद, स्वच्छंद का मतलब क्या है, स्वच्छंद का मतलब है अपनी इच्छा से, स्वच्छंद माने अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद मतलब होता है स्वतंत्र, स्वच्छंद मतलब क्या होता है, स्वच्छंद माने अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से। चार का मतलब होता है घूमना चलना, चार चर धातु से बनेगा, घूमना चलना, घूमना। अपि माने भी, तो अप स्वतंत्र स्वच्छंदाचार मतलब, स्वच्छंदाचार मतलब अपनी इच्छा से घूमने वाला, घूमने वाला होने पर भी, होने पर, समझ आया कि नहीं। स्वच्छंदाचारम मतलब अपनी इच्छा से चार माने चलने वाला घूमने वाला होने पर भी जो क्या है दुर्गैक शरणम, दुर्ग को, दुर्ग मतलब होता है जो दुर्गम हो, नगर हो मतलब जो दुर्गम हो, जहां पर जो है जाना सरल ना हो, तो दुर्ग माने कोई दुर्गम, कोई किला, कोई नगर, समझ आया कि नहीं, क्योंकि किला रहेगा तो नगर तो रहेगा ही रहेगा, तो कोई दुर्ग मतलब दुर्गम, किला, नगर, वही एक शरण है जिसका, वही एक मतलब अकेला, और शरण का मतलब होता है आश्रय अथवा गृह, वही अकेला गृह है जिसका। अब बताओ विरोध होगा कि नहीं होगा,
विरोध होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब बताओ, अगर अपनी इच्छा से इधर उधर भ्रमण करता है तो फिर स्वच्छंदाचार है, मतलब कहीं भी भ्रमण करता है। और यहां बता रहे हैं कि दुर्गैक शरणम, मात्र दुर्गम जो नगर है उसकी ही शरण लिए हुए है। बात समझ में आई कि नहीं? अगर स्वच्छंदाचारम है, बोला तो अपनी इच्छा से घूमने वाला है, मतलब कहीं भी घूमता है, कहीं भी घूमता है मतलब पूरे जंगल में घूमता है, जहां भी दुर्गों पर भी घूमता है, पर्वतों पर भी घूमता है। बात समझ में है कि नहीं? पूरे जंगल में घूमता है, नगरों में भी घूमता है, तो अपनी इच्छा से चार मतलब घूमने वाला, अपि माने होने पर भी, तो स्वच्छंद माने अपनी इच्छा से चार माने चलने वाला, अपि माने होने पर भी जो क्या है, दुर्गैक शरण है, मतलब दुर्गम, दुर्ग माने दुर्गम जो किले हैं, नगर हैं, वही एकमात्र जो है शरण माने गृह जिसका है। ऐसा तो नहीं हो सकता केवल नगर में ही। अगर देखो दुर्गैक शरण किसे कहेंगे, जो दुर्ग, दुर्गम, किला, नगर, उनको ही एकमात्र अपना शरण माने घर बनाया हो। अब बताओ, जब एकमात्र घर दुर्गम किला नगर ही रहेगा उसका, तो इसका मतलब वो केवल दुर्गम किला नगर में ही घूम सकेगा, कहीं बाहर जा पाएगा, जंगल, पहाड़, पर्वत, कहीं भी जो है, या समुद्र इत्यादि में जा सकेगा, नहीं जा सकेगा। लेकिन पीछे कह रहे हैं कि अपनी इच्छा से चलने वाला है, कहीं भी जाता है, और आगे कह रहे हैं नहीं, केवल उसका घर कहाँ है, सिर्फ किला जो नगर वही है घर। बात समझ में है कि नहीं? जो दुर्ग माने दुर्गम, जो दुर्गम मतलब होता है जहाँ दुख से जाया जा सके, मतलब रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए राजा लोग क्या बनाते थे, दुर्ग बनाते थे। दुर्ग मतलब जहां पर दुख से जाया जा सके जल्दी से, जिस पर कोई शत्रु आक्रमण ना कर सके, तो ऐसे जो दुर्गम जो होते थे उनको दुर्ग कहते थे, किला नगर कहते थे। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे बना लेते थे राजा लोग अपने लिए। तो अब वही केवल एकमात्र शरण है, अकेला जो है घर जिसका है, तो ऐसा कहेंगे तो बताओ उसकी स्वच्छंदाचारता पर विरोध बैठेगा कि नहीं? विरोध होगा। तो भाई बता रहे, स्वच्छंद चाह रहे मतलब कहीं भी घूमता रहता है, पूरी पृथ्वी में कहीं भी घूमता है, और एक तरफ कह रहे हैं नहीं, केवल एक किले में ही रहता है, तो विरोध हुआ कि नहीं हुआ? यही बता रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ, विरोध हो गया। अब इस विरोध का परिहार कैसे करेंगे भाई? तो विरोध का परिहार ऐसे करेंगे कि स्वच्छंदाचार है, अपनी इच्छा से पृथ्वी पर कहीं भी घूमता है, लेकिन दुर्गैक शरण का मतलब है मात्र दुर्गा का, भवानी देवी का जो है, उन्हीं का एकमात्र शरण माने रक्षक, माने वही एकमात्र उसकी रक्षक है। ठीक है, दुर्गा, दुर्गा मतलब भवानी देवी ही, एक, एक माने अकेली, एक माने अकेली, अकेली मतलब सिर्फ वही अद्वितीय, उनके तुल्य और कोई नहीं। तो इस प्रकार की वो क्या है, शरण है, शरण मतलब रक्षिका है, रक्षिका है जिसकी, ऐसा कौन हो गया, ऐसा मातंग हो गया। अब यहां दुर्ग का अर्थ दुर्गम किला नगर नहीं लेना है, और वही अकेला शरण माने घर हो जिसका, ऐसा नहीं लेना है। ऐसा लेंगे तो क्या होगा, विरोध होगा। और जब हम क्या करेंगे, उसका सही अर्थ ले लेंगे कि दुर्गा, दुर्गा देवी, भवानी देवी ही एकमात्र शरण है माने रक्षिका है जिसकी, एक माने अकेली, एकमात्र शरण माने रक्षिका है जिसकी, ऐसा होगा मातंग। तो अब बताओ, अपनी इच्छा से घूमता भी है और दुर्गा देवी उसकी रक्षिका भी है, तो अब कोई विरोध रहा, कोई विरोध नहीं रहा। तो इसलिए क्या हो गया, विरोध का परिहार हो गया। विरोध परिहार हुआ तो विरोधाभास हो गया अलंकार। समझ में आ गया कि नहीं? चलो, तो दुर्गैक शरणम माने भगवती भवानी जो दुर्गा हैं, वही एक अकेली शरण माने रक्षिका हैं जिसकी, ऐसा अर्थ करेंगे तो कोई दोष, अब दोष मतलब विरोध नहीं रहेगा। अब कह रहे हैं कि क्षितिवृत्त पादानुवर्तिनमपि राजसेवान अभिज्ञम्, क्षितिवृत्त पादानुवर्तिनम अपि राजसेवान अभिज्ञम्। अब यहां पर जो है, देखो कहते हैं कि क्षितिवृत्त पादानुवर्तिनम अपि राजसेवान अभिज्ञम्। क्षितिवृत्त, क्षितिवृत्त का मतलब होता है क्षिति यानी भूमि का, भूमि का जो पालक रहता है राजा रहता है। क्षितिवृत्त माने जो है ये पालक हो गया, भूमि पालक मतलब राजा। क्षितिवृत्त का अर्थ क्या होता है, भूधर, राजा। और राजा के जो पाद हैं यानी चरण हैं, उन चरणों का अनुवर्तनम, अनुवर्तनम मतलब है सेवा करने वाला,
अनुवर्ती, देखो राजा के चरणों का अनुवर्ती इसका मतलब है राजा के चरणों का अनुवर्तन करने वाला, मतलब चरणों के पीछे चलने वाला यानी उनकी सेवा करने वाला, ठीक है। तो क्षितिवृत मतलब राजा, भूमिपालक राजा, क्षिति माने भूमि, वृत माने पालक, जो राजा उसके जो पाद माने चरण, उन चरणों का अनुवर्तन मतलब उसके पीछे चलने वाले हैं, उनका नौकर है। तो चरणों का जो क्या है, नौकर है, चरणों का जो सेवा करने वाला है, समझ आया। तो अपि माने भी, सेवा करने वाला होने पर भी जो क्या है, राज सेवा अनभिज्ञम, राज मतलब राजा की सेवा, राजा की सेवा, राजा की सेवा से, सेवा सेवा से अथवा सेवा का, ये भी कर सकते हैं, सेवा से अथवा सेवा का जो, सेवा का जो अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ मतलब होता है न जानने वाला, न जानने वाला। अब बताओ, एक तरफ कह रहे हैं कि क्षितिवृत्त माने राजा के पाद माने चरणों का अनुवर्तन करने वाला है, मतलब उसकी सेवा करने वाला है, चरणों की सेवा करने वाला है, माने राजा के चरणों की सेवा कर रहा है, मतलब राजा की सेवा कर रहा है, राजा के चरणों में जो है जाकर के उनका नौकर बना है यानी उनकी सेवा कर रहा है। और आगे कह रहे हैं कि राज सेवा अनभिज्ञम, जो राजा की सेवा से अनभिज्ञ है, मतलब राजा की सेवा को न जानने वाला है, राजा की सेवा को नहीं जानता है। अब बताओ ऐसा कैसे हो सकता है, जो राजा की सेवा करना नहीं जानेगा वो राजा के चरणों के सेवक बन सकेगा, नहीं बन सकेगा, राजा तक वो पहुंच तक नहीं सकेगा अगर सेवा करना नहीं जानेगा तो। तो राजा की सेवा का जो अनभिज्ञ है, मतलब अभिज्ञ नहीं है, न जानने वाला, अनभिज्ञ मतलब होता है जो न जाने, उसको क्या कहते हैं, अनभिज्ञ कहते हैं। तो राजा की सेवा को जो अनभिज्ञ है मतलब जानने वाला भी नहीं है, और क्षितिवृत्त माने राजा के पाद माने चरणों का अनुवर्तन करने वाला है, मतलब सेवा करने वाला भी है। तो अब बताओ, तो राजा की सेवा का अनभिज्ञ भी है, नहीं भी जानता है, और सेवा भी करता है नहीं भी जानता, ऐसा कैसे हो सकता है, सेवा करे और सेवा न जाने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसलिए क्या हुआ, ये विरोध हुआ, क्या हुआ, ये विरोध हुआ, ठीक है। विरोध का परिहार कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्षितिवृत्त का मतलब पर्वत भी होता है, क्षिति माने भूमि को, भृत माने जो धारण करें वो कौन होते हैं, पर्वत भी होते हैं, क्षितिवृत्त माने पर्वत। तो पर्वत के जो पाद, पर्वत के जो पाद, पाद मतलब उसके जो निचले हिस्से, पाद मतलब पर्वत, तो ऊपर हो गया ऊंचा ऊंचा हिस्सा पर्वत, और जो उसके पाद का मतलब उसके जो निचले हिस्से, ठीक है, जो तलहटी इत्यादि, उसके जो निचले हिस्से, ठीक है। तो उन निचले हिस्सों में अनुवर्ती का मतलब यह है, उन निचले हिस्सों में अनुवर्तन करने वाला का मतलब है रहने वाला। तो क्षितिवृत्त माने पर्वत के, क्षिति माने भूमि का, भृत माने पालन करने वाला तो राजा होता है, और क्षितिवृत्त माने भूमि को धारण करने, भृत माने धारण करने वाला पर्वत होता है। उस पर्वत के पाद, पाद मतलब पर्वत के जो चरण रहते हैं, पर्वत के जो निचले हिस्से रहते हैं, किनारे किनारे के जो हिस्से रहते हैं, तो उनमें पर्वत के जो किनारे के हिस्से रहते हैं उनमें अनुवर्तिन, अनुवर्ती मतलब, अनुवर्तिनम मतलब उनमें जो रहने वाला है, उनमें निवास करने वाला, अब चोटी पर थोड़े निवास करेगा, वहां तक जाना आना कठिन रहेगा, ठीक है। तो इसलिए निचले हिस्सों में निवास करता है, समझ में आया कि नहीं, कहाँ निवास करता है, पर्वत के पाद यानी निचले हिस्से, निचले निचले हिस्से में अनुवर्तन करने वाला यानी निवास करने वाला कौन, मातंग। अब बताओ, अब कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजा के पाद माने चरणों का अनुवर्तन माने सेवा करने वाला, ऐसा अर्थ करते थे तब तो विरोध था, लेकिन जब कह दिया राज सेवा अनभिज्ञम, कि राजा की सेवा को जो अनभिज्ञ माने नहीं जानता है, क्यों, क्योंकि वो क्षितिवृत्त माने पर्वत के पाद माने तलहटी निचले हिस्से में अनुवर्तन करने वाला है, रहने वाला है, माने निचले हिस्से का जो जंगल है उस जंगल में रहेगा। तो क्षितिवृत्त माने पर्वत के पाद मतलब जो तलहटी निचला हिस्सा, उसके जो उसका जो जंगल है, वहां पर्वत में क्या रहेगा, उसके किनारे जंगल रहेगा, उन जंगल में अनुवर्तन करने वाला है, निवास करने वाला है। तो बताओ राजा की सेवा को जानेगा, नहीं जानेगा, तो राज सेवा से इसीलिए अनभिज्ञ है, राज सेवा को नहीं जानता है। तो ये पूर्वोक्त अर्थ करेंगे तो विरोध आएगा, और ये वाला अर्थ करेंगे तो विरोध का समाधान हो जाएगा, परिहार हो जाएगा। तो ये विरोध क्या रह जाएगा, आभास मात्र रह जाएगा,
समझ में आया कि नहीं? कल्पना रहेगी, वास्तविक विरोध नहीं रहेगा। ये दूसरा अर्थ करेंगे तो विरोध नहीं रहेगा, क्योंकि छितवृत्त माने पर्वत के पाद माने किनारे निचले हिस्सों में अनुवर्तन करने वाला, निवास करने वाला, जंगल में रहने वाला। अब बताओ वो राजा की सेवा से अनभिज्ञ होगा कि नहीं होगा? अनभिज्ञ होगा ही राजा की सेवा से। अनभिज्ञ माने नहीं जानने वाला होगा राजा की सेवा को। जो जंगल में रहेगा वो कहाँ से जान राजा की सेवा को जानेगा? तो इसलिए परिहार हो जाता है मातंग नाम का। इस प्रकार का सबर सेनापति है। अपत्यम इव विंध्याचलस्य। अब कहते हैं कि वो विंध्याचल का लग रहा है जैसे अपत्य हो। विंध्याचल का क्या हो? अपत्य यानी कि संतान हो, ठीक है? विंध्याचल मतलब विंध्य पर्वत, अचल मतलब होता है पर्वत। तो विंध्य पर्वत का अपत्य, अपत्य मतलब संतान। इब माने मानो, मानो क्या हो? विंध्याचल पर्वत का क्या हो? संतान हो। क्यों? क्योंकि विंध्याचल क्या है? पर्वत है। और पर्वत कैसा होता है? कठोर शरीर का होता है। और उसी प्रकार से कठोर शरीर वाला कौन है? मातंग है। तो इसीलिए मातंग जो है, मानो विंध्याचल विंध्य पर्वत का अपत्य हो, संतान हो। समझ में आ गया कि नहीं? और अंशावतारम इव कृतांतस्य। मानो कृतांत का क्या हो? अंशावतार हो। कृतांत मतलब कौन होता है भाई? कृतांत माने यमराज। यमराज का क्या हो? वो अंशावतार हो, ठीक है? अंशावतार मतलब क्या है? एक अंश का, एक अंश माने हिस्से का अवतार हो। अवतार मतलब माने अवतार का मतलब क्या है? जो नीचे उतरना या फिर उस रूप में उतरना, जैसे यमराज ही एक हिस्से के रूप में क्या हो? इस रूप में उतर आए हों। समझ में आया कि नहीं? एक हिस्से का अवतार हो, अवतार हो। इव मतलब मानो, मानो यमराज ही अपने एक हिस्से को नीचे सबर सेनापति मातंग के रूप में उतार दिए हों। तो अंश मतलब एक हिस्से का अवतार हो। किसका एक हिस्से का? तो यमराज के एक हिस्से का। इव माने मानो अवतार हो, ऐसा लग रहा है। क्यों क्यों ऐसा है? क्योंकि यमराज क्या करते हैं? यमराज क्या करते हैं? जीवों का, प्राणियों का क्या करते हैं? संहार करते हैं। और ये मातंग भी क्या करता है? ये भी जीवों प्राणियों का जो है, जंगल के प्राणियों का क्या करता है? संहार करता है। तो इसीलिए मातंग कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मानो कृतांत का यमराज का अंशावतार हो, एक हिस्से अंश का अवतार हो। इव माने मानो। समझ में आ गया कि नहीं? सहोदरम इव पापस्य। और पाप का ये भाई हो, ऐसा लग रहा है। पाप यानी अधर्म का, अधर्म का सहोदर हो। सहोदर का मतलब क्या होता है? भाई। बात समझ में आई कि नहीं? जो एक ही उदर से, एक ही माता से जो उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए सहोदर यानी भाई। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसलिए इव माने मानो, मानो अधर्म का ये भाई हो। क्यों? क्योंकि अधर्म कहाँ, कैसे उत्पन्न होता है? जब प्राणियों की हिंसा करेगा, प्राणियों को मारेगा, उनको यातना देगा, कष्ट देगा, तो क्या होगा? अधर्म होगा कि नहीं? तो इसलिए जिस प्रकार से अधर्म क्या करता है, अगर कोई अधर्म अधर्म करे, तो अधर्म क्या करता है? उन प्राणियों को नरक में तीव्र यातना दिलवाता है कि नहीं? अधर्म तीव्र तीव्र यातना देता है, अधर्म। वैसे ही ये मातंग भी है। ये मातंग भी क्या है? अधर्म अगर कोई करता है, तो अधर्म क्या करता है? उन प्राणियों को नरक में तीव्र यातना दिलाता है कि नहीं? वैसे मातंग भी प्राणियों को नरक में नहीं, जिंदा ही तीव्र यातना देता है। समझ में आया कि नहीं? मातंग भी क्या करता है? प्राणियों को तीव्र यातना देता है। जैसे अधर्म प्राणियों को तीव्र यातना देता है, वैसे ही यह भी मातंग भी प्राणियों को तीव्र यातना देता है। तो इसलिए ये पाप का, अधर्म का सहोदर हो। इब माने मानो, सहोदर हो, भाई हो। समझ में आ गया कि नहीं? अब कहते हैं सारम इव कलिकालस्य। कलिकाल का ये सार हो, ठीक है? कलिकाल मतलब कलियुग। कलिकाल माने कलियुग। तो कलियुग का है ये सार।
सार का मतलब होता है एक मिनट। चलिए तो यहां पर ना दो पाठ मिलते हैं, कहीं कहीं पर सारथी पाठ है, कहीं कहीं पर सार पाठ है। चलिए तो देखिए क्या है ना, सारम इव, सारम इव का मतलब श्रेष्ठ अंश, श्रेष्ठ अंश हो, अथवा सार का मतलब सारथी। अब यहां सार नहीं पाठ होगा, फिर उस पक्ष में क्या मानेंगे हम, सारथी, सारथिम इव, ऐसा पाठ मानेंगे। माने कलयुग का क्या हो ये सारथी, इव माने मानो, ठीक है, दोनों कर सकते हैं, किसी अर्थ में भी कोई समस्या नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं, क्या कि कलयुग का, कलिकाल माने कलयुग का ये सारम इव, इव माने मानो सार हो, श्रेष्ठ अंश हो। कलयुग क्या होता है, अत्यंत निरंतर धर्म अधर्म करने वाला, क्योंकि कलयुग जो रहता है ना, कलयुग में क्या होता है, लगातार अधर्म, लगातार अधर्म को उत्पन्न करता है। कौन, जो कलयुग रहता है वो लगातार क्या करता है, धर्म को उत्पन्न करता है कि नहीं करता है, ये जो है ना, ये क्या है उसका, ये उसका श्रेष्ठ अंश है। माने कलयुग का भी ये श्रेष्ठ अंश है, यानी ये भी लगातार अधर्म और ज्यादा अधर्म को उत्पन्न करता है। कौन, ये जो मातंग है, ये मातंग क्या करता है, और अधिक अधर्म को उत्पन्न करता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये कलयुग का सार हो जाएगा, श्रेष्ठ अंश, और ज्यादा जो है पाप कर्म करने वाला है। अथवा कलयुग का मानो ये क्या हो जाएगा, चाहे श्रेष्ठ अंश मान लो और चाहे सारथी, सारथी मानोगे तो क्यों सारथी होगा, क्योंकि कलयुग लगातार अधर्म को तो उत्पन्न कर रहा है, लेकिन किसके द्वारा, संचालक कौन है, संचालक सारथी तो मातंग ही है ना, क्योंकि कलयुग कोई ऐसा थोड़ी मनुष्य रूप धारण करके अधर्म कर रहा हो ना, कलयुग को तो कोई मनुष्य चाहिए ना धर्म करने के लिए, तो उसका जो सारथी है वो सारथी कौन है, ये जो है मातंग नाम का सवर सेनापति क्या है, कलयुग का सारथी है, संचालक है, अधर्म की उत्पत्ति कराने में उसको संचलन सहायता करता है। बात समझ में है कि नहीं, तो इसलिए क्या है ये कलिकाल का, कलयुग का सारथी है अथवा सार है, दोनों अर्थ घट सकते हैं। सार है, श्रेष्ठ अंश है, क्योंकि ये लगातार अधर्म को उत्पन्न करवा रहा है, और ये सारथी है क्योंकि कलयुग लगातार इसके माध्यम से इसको सारथी बना करके और अपना अधर्म का रथ चलवा रहा है। बात समझ में है कि नहीं, तो कलयुग का जो ये सार है, श्रेष्ठ अंश है, अथवा सारथी पाठ करोगे तो कलयुग का जो ये कलयुग का इब माने मानो सारथी है, अथवा कलयुग का मानो क्या है, श्रेष्ठ अंश है, सार है, दोनों अर्थ यहाँ पर संभव हो सकते हैं। चलिए दोनों प्रकार के पाठ भी मिलते हैं। अब कहते हैं कि भीषणम अपि महासत्वतया गंभीरम इव उपलक्ष्यमाणम, कहते हैं कि भीषणम अपि, भीषण होने पर भी, भीषण मतलब होता है भयंकर, भयंकर मतलब होता है डरावना, डरावना मतलब डर उत्पन्न करने वाला, डरावना अपि माने भी, ये डरावना है, डरावना होने पर भी, होने पर भी, भीषण माने भयंकर डरावना होने पर भी, महासत्वतया महान सत्व होने के कारण। बात समझ में आई कि नहीं, चलिए तो कहते हैं महासत्वतया, महासत्वतया मतलब महान, महान मतलब प्रबल, प्रबल सत्व होने के कारण, सत्व यानी उत्साह, प्रबल उत्साह वाला होने से, बहुत अधिक उत्साह वाला होने के कारण, गंभीरम इव उपलक्ष्यमाणम माने धैर्य मतलब धीरज, धीरज वाला, इव माने मानो, उपलक्ष्यमाण मतलब दिखाई दे रहा है,
समझ आया? देखो, भीषणम अपि, अत्यंत भीषण है, भयंकर है, डरावना है। बात समझ में आई कि नहीं? लगातार चंचल स्वभाव वाला है। क्यों? क्योंकि जो है कुछ ना कुछ निकृष्ट आचरण करता रहता है और जीवों को पीड़ा पहुंचाता रहता है। लेकिन फिर भी कहते हैं महासत्वतया, महान प्रबल सत्व माने उत्साह वाला होने के कारण ऐसा लगता है कि वो गंभीर गंभीर हो, धीर गंभीर हो, धैर्य रखने वाला हो। इव माने मानो उपलक्षमाण, मतलब दिखाई देता है, वास्तव में है नहीं। स्वभाव उसका क्या है? अत्यंत चंचल स्वभाव है, धैर्य युक्त गंभीरता युक्त स्वभाव नहीं है। वो लगातार जो है प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने के कारण चंचल स्वभाव वाला है और भीषण है, भयंकर, डरावना है, चंचल है, स्वभाव वाला है, क्योंकि प्राणियों को पीड़ा पहुंचाता है लगातार। लेकिन फिर भी महासत्वतया, उसके अंदर महान प्रबल सत्व माने उत्साह है, बल है, इसीलिए वो गंभीरम इव, इव माने मानो गंभीर की तरह धैर्य धीरज वाला जो है उपलक्षमाण, मतलब दिखाई दे रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? यहां पर जो है उसके अंदर धैर्य गुण की उत्प्रेक्षा की जा रही है। और अभिभवनीया कृतिम, ये अभी नहीं है, अनभी होगा। अनभिभवनीया कृतिम, उसकी जो आकृति है, उसकी जो आकृति माने स्वरूप है, उसका जो शरीर है वो अनभिभवनीय है। अनभिभवनीय का मतलब ये है, अभिभवनीय मतलब होता है पराजय योग्य, तिरस्कार योग्य, और अनभिभवनीय मतलब जो जिसका तिरस्कार न किया जा सके। अनभिभवनीय माने अतिरस्करणीय, ठीक है? अनभिभवनीय यानी अतिरस, अभिभवन यानी पराजय, पराजय अभिभूत कर देना, मतलब पराजित कर देना, और अनभिभवन मतलब पराजित ना कर सकना। तो अनभिभवनीय मतलब अतिरस्करणीय, जिसका तिरस्कार ना किया जा सके, जिसको पराजित ना किया जा सके, इस प्रकार की आकृति माने स्वरूप शरीर वाला है। अत्यंत कठोर शरीर वाला होने के कारण वह शत्रुओं के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता है, शत्रु उसको पराजित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का जो मातंग नाम वाला, मातंग नाम है जिसका, मातंग नामानम मतलब मातंग संज्ञा, मातंग संज्ञा वाला, मातंग संज्ञा है जिसकी, इस प्रकार का जो सबर सेनापति है, सबरों की जो सेना है, उस सेना का जो अधिपति है, अधिपति यानी कि स्वामी है, उस स्वामी को अपश्यम, अपश्यम का मतलब क्या है? देखा। अपश्यम माने अद्राक्षम माने देखा। किसने देखा? मैंने देखा। किसने? मैंने वैशंपायन नाम के, नाम का तोता अपनी कथा बता रहा है, उस तोते ने देखा। समझ में इतना आ गया कि नहीं? अब तोता कह रहा है, अभिधानम तो पश्चात तस्य अहम अश्रौषम, तस्य तस्य माने उसका, अभिधान माने नाम, तू माने तो, पश्चात माने बाद में, अहम माने मैंने, अश्रौषम माने सुना, अभिधानम माने नाम, तू माने तो, पश्चात माने बाद में, उस तस्य माने उसका, अहम माने मैंने, अश्रौषम माने सुना, माने अहम माने मैंने। अब इसको इधर से करेंगे, मैंने उसका नाम तो बाद में सुना, उसका नाम तो मैंने बाद में सुना, लेकिन उसके पहले मेरे मन में कुछ आया, उसके चरित्र उसका किस प्रकार का है, सबरों का चरित्र कैसा है, उस चरित्र का विचार मेरे मन में आया। आसीच्च मे मनसि अहो मोहे प्राय मे तेषां जीवितं साधुजन गर्हितंच चरितम्। तो इसको हम लोग क्या करें, सबरों के चरित्र का आलोचन अगले पाठ में कर लेते हैं, इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। सबर सेनापति वर्णन समाप्त तो हो गया है, तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं, अगले पाठ में मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।